यस हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने अंधेरे में क्यों ये व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज सुबह से 6 बजे से ही लाइट नहीं है और इन्वर्टर कल ही लगा है और आज बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आई गेस 9 बज रहे हैं, तो 9 से अभी सो 10 बज गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मैंने सोचा है कि मैंने नीट का फॉर्म फिलअप नहीं किया, मैं कितने दिन बीएससी का एग्ज़ाम का डेट का इंतज़ार करूँगी। तो मैं आज सोच रही हूँ लाइट नहीं है तो मेरी सेशन भी नहीं हो पा रही है, तो मैं जाके फ़ोटो क्लिक करवा के आ जाती हूँ और देखती हूँ जैसे भी होगा। तो चलो चलते हैं, उससे पहले मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ। सो कुछ इस तरह से लंच करेंगे, मोबाइल का लाइट जला के अब कोई ऑप्शन नहीं है। और लंच में मिली है पूरी और राजमा आलू की सब्जी। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करके मिलती हूँ। मैं नहा धुल के आ चुकी हूँ और लाइट भी आ चुकी है। सो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए मेरा मॉइस्चराइजर ख़त्म हो गया है। तो मैंने इसको क्या किया है, इंडियन जुगाड़। तो कितने लोग ऐसा करते हो? अभी देखो इसमें मेरे को लगता है आराम से 10 दिन तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। तो कितने लोग ऐसा करते हैं कि इसको काट के, जैसे पेस्ट तो हर किसी हर घर में होता है, मेरे को लगता है जैसे पेस्ट की अगर मतलब ख़त्म हो गया, नहीं निकल रहा है, तो उसको काट दो, आराम से चल जाता है। 10 दिन तो आराम से चल जाता है, 10 दिन नहीं तो 5 दिन तो चल ही जाता है। कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोग ऐसा कितने लोग ऐसा करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप अपना डेली स्किन केयर रूटीन शेयर करो। तो सबसे पहले ये मैंने जो काट दिया है, न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, तो चलो ये लगा लेते हैं। उसके बाद मैं ये वाव का सनस्क्रीन लगाती हूँ जो कि SPF 35 ये वाला है, कुछ पता नहीं, तो ये वाला लगाती सो हूँ। मैं कुछ भी लगाऊं या ना लगाऊं, सनस्क्रीन मैं स्किप नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट से सनस्क्रीन को, और जब से मेरे को समझ में आया है, मैं कोई भी क्रीम को ना ऐसे टैप 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 करके लगाना होता है। कभी भी अपन ऐसे ऐसे जो लगा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे ये वाला नहीं करना होता है, अपने को ऐसे टैप टैप करके लगाना होता है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके सो सनस्क्रीन लग गया है। तो वैसे तो मैं वैसलिन का ये मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, बट अभी मेरे को फोटो क्लिक करवाने जाना है तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, हल्की सी लगा लेती हूँ, उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, हो गया। यही है मेरा स्किन केयर। रेडी हो चुकी हूँ, बैग ले लिया है। सो इसमें फाइल्स है सारी, तो देखती हूँ अगर फॉर्म फिल हो गया तो फॉर्म भी फिल कर लूँगी, बट मेरे को लग रहा है फ़ोटो तो कल ही देंगे, तो देखते हैं जैसा भी होगा। और मैं इस तरह से कुछ लग रही हूँ। अरे चश्मा भूल गई, चश्मा लगा लेते हैं यार, बिना कुछ चश्मा के तो दिखेगा ही नहीं लड़की को। चलिए जा रही हूँ फ़ोटो क्लिक करवा के, फॉर्म फिल अगर हो गया तो आज ही फॉर्म फिल कर दूँगी, नहीं हुआ तो कल कर देंगे अपन। फॉर्म भर के आ
लगा चुकी हूँ और अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी तक एज़ यू कैन सी लाइट नहीं आई है। तो चलो फिर खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। एज़ यू कैन सी हॉस्टल में लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, सबके रूम में कोई लाइट ही नहीं है। पटना में इस तरह की सिचुएशन सच में बर्दाश्त के बाहर है। तो मतलब चली गई थी अपना फॉर्म फिल करने, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोल के रखा था कि खाना मेरे लिए रखे, तो उसने इस तरह से चावल दाल और सब्जी रखी। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। ओके, सो मैंने इतने सारे बर्तन धुल दिए हैं और धुलते ही लाइट आ चुकी है। लाइट जा भी चुकी है, आज यही हो रहा है। भैया ऊपर से दे दीजिए। कैंडल नहीं होगा। ये सब चीज नहीं होता है तो हॉस्टल में ही मौका मिलता है पहली बार। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुलाब, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी दोस्त, मेरे हॉस्टल की बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान सब। खाइए जी, इस्राइल मार के खाइए। देखो सिवानसी।